कराची, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शहर। लेकिन इसी शहर का शुमार दुनिया के पांच नाकाबिले सुकून शहरों में होता है, मगर इसकी वजह सिर्फ आबादी ही नहीं है। कराची शहर में लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी अशिया मिलना भी मुश्किल है, जिसकी वजह पानी की किल्लत, सुई गैस और बिजली की लोड शेडिंग, कब्जा माफिया और सफर के लिए बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मसाइल इस शहर में देखने को मिलता है। कराची स्पेशली आप देख लें, तमाम शहरों से लोग यहाँ कराची आते हैं, अपनी रिस्क रोजी कमाने आते हैं। कराची से उम्मीदें बहुत लगा ली हैं लोगों ने, कराची को जो उम्मीद है वो पूरी नहीं करता। मैं किस किस चीज़ को डिस्कस करूँ सर, ऐसा लगता है कि ये बर्तन है ये उलट गया है, इसमें जो चीज़ें थी वो उलट गई हैं, बर्तन हटा दिया है, अब वो चीज़ें समेट रहे हैं। कराची को यौमिया 1 अरब 8 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, जिसमें 48 करोड़ गैलन की किल्लत है और हर साल पानी की ज़रूरत में 10 करोड़ गैलन का इजाफा हो रहा है। जगह जगह गैर कानूनी पानी के हाइड्रेंट बने हुए हैं, जिसकी वजह से 55 करोड़ गैलन पानी जो सप्लाई होता है उसमें से 20 करोड़ गैलन पानी जाया या चोरी कर लिया जाता है। मजबूरन कराची की आवाम को हुकूमत के हिसाब से चंद 100 रुपए में मिलने वाला पानी हजारों में खरीदना पड़ता है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह कहीं ना कहीं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का सही ना होना है, क्योंकि इस शहर की बसों का हाल ऐसा है कि यहाँ की आवाम सफर करने के लिए अपनी प्राइवेट मोटर बाइक और गाड़ियों को तरजीह देती है, जो कि बदतरीन ट्रैफिक का सबब बनती है। कराची की आबादी है जिस हिसाब से ये लोकल गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हर एक इसकी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी जो मतलब की मेंटेनेंस वगैरह, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ कट रही है। पहले यही गाड़ियाँ और यही कराची के लोग इसको अफोर्ड करते थे, जिसमें आपके 1-1 बजे तक गाड़ी चलती थी, अब 8 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती। एस्टैब्लिश है RTA कराची, इसमें काम करती है, परमिट को भी देखती है, रूटों को भी देखती है और बसों को भी देखती है। एक प्रॉपर वाइज हमारा रूट अलाइनमेंट होती है, उसमें हमारा बोर्ड है, उसमें कमिश्नर हमारा चेयरमैन है और DIG ट्रैफिक हमारा मेंबर है, मैं खुद मेंबर हूँ और आल SSP ट्रैफिक मेंबर हमारे होते हैं। ये पूरा इसी को साफ सुथरा करके किसी ऑपरेटर को तब रूट दिया जाता है। नाम मेरा मोहम्मद निसार ड्राइवर और 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुझे 1200-1400 रुपये हाथ मिल गए। अगर ये गाड़ियाँ ना हो तो हमारा मजदूर इंसान का पेट नहीं चलता, लेकिन हुकूमत कटवा रही है, क्यों कटवा रही है, उसकी वजूहत महंगाई है। मेन इसके गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जिस कराची के बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है ना। कराची में कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट, बड़ी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, हमें कोई रिलीफ किसी जगह पे किसी महकमे में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पहले तो आप उसमें चले जाओ, पुलिस की भत्ताखोरी, ज्यादा ज्यादा पैसे लेके ठेले लगाते हैं, ठीक है ना। पूरे रोड आप चले जाए सारे ब्लॉकेज सिर्फ पुलिस की, और ये जो रक्षा माफिया चल रहा है, हम सिर्फ पुलिस की सरपरस्ती भी चल रही है और कुछ नहीं। पुलिस आज भत्ता लेना बंद करते सब बंद हो जाएगी, बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, खत्म होगी बात। बस एक ऐसी कराची के लिए, कराची की माँ है जो सबसे सस्ती से सस्ती सवारी है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियाँ भी होती हैं, और ऐसा शहर जहाँ पर मलेरिया और टाइफाइड जैसी आम बीमारियों से लोग मर जाते हैं, वो शहर कैसे रहने के काबिल कहलाया जा सकता है। बड़े लीडर आए, उन्होंने बड़ा काम किया सर, कोशिश की डेवलप करने की। कराची को डेवलप करने का मकसद यह है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। जब इसमें क्राइम शामिल हो जाए, और क्राइम वो चीज़ है सिर्फ डकैतियाँ ही या चोरियाँ या कत्ल व गारतगरी या दूसरी चीज़ें जो बहुत सारी जगहों पर हैं, लोगों में, मुल्कों में हैं, पाकिस्तान में हमारी बड़ी मोहब्बतें थी। अगर हम WHO के हेल्थ डेफिनेशन को सामने रखें, हेल्थ ये नहीं है कि डैट यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज़, हेल्थ ये है कि आपका सोशल,
आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका इकोनॉमिकल वेलबींग कैसा है, अगर ये सारे पांच इंग्रेडिएंट, पांच चीज़ें जो हैं सेगमेंट्स अगर इंटैक्ट है, देन यू आर ए हेल्दी पर्सन। अगर WHO के इस डेफिनेशन को आप सामने रखें तो जो गंदगी का ढेर है, जो गंदगी का मंजर इस वक्त कराची में है, उससे मेरा नहीं ख्याल कि कराची का कोई भी शहरी जो है अपने आप को हेल्दी सिटीज़न कह सकता है, सेहतमंद सिटीज़न कह सकता है। आप जो एयर ले रहे हैं, अपने अंदर सांस ले रहे हैं, दैट इज़ पॉल्यूटेड, दैट इज़ अगेन अफेक्टिंग योर साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। अगर ये दोनों हेल्थ मुतासर है, देन यू आर नॉट ए हेल्दी पर्सन। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कराची में गंदगी का। दीगर चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है दैट इज़ द बैक्टीरियल इंसेक्ट्स की वजह से, वाटर कॉन्टेमिनेशन की वजह से, स्किन डायरेक्ट बच्चे खेल रहे होते हैं इस गंदगी की ढेर में, उससे स्किन प्रॉब्लम इस कदर हो रहा है कराची में। कुहर में जिस तरह यहाँ के लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, पानी बचाने के बजाय जाया करते हैं और कचरा कचरे दान में डालने के बजाय उसके बाहर डालते हैं। पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू कराची से आता है, लेकिन उसमें से 1% भी कराची पर नहीं लगाया जाता। ये वो शहर है जहाँ मुल्क भर से लोग अपने जरिए माश की तलाश में आते हैं और यही मुकीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है। ये बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं कराची का दुनिया के 5वें बदतरीन शहरों में शामिल होने की वजह कराची में मौजूद सिस्टम की नाअहली है। मगर ये जानकर हैरानी भी होती है कि इस शहर का बदतरीन शहरों में शामिल होने की वजह कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम भी है। WHO हो या एशियाटिक रीजन का जो WHO का जो चैप्टर है, उन्होंने कराची को कह दिया कि कराची इज इन इन्फर्नो, कराची जो है वो आग में बैठा हुआ है। ये कोई कुदरती आफात नहीं है, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, जलजला आ गया, ये वो क्रिएशन है जिसको हमने खुद क्रिएट किया है। गंदगी हमने खुद फैलाई है, अगर गंदगी हमने खुद फैलाई है तो सफाई भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमें लेट्स ज्वाइन आवर हैंड के सारे लोग जमा हों, मिलें, प्लान करें एरिया वाइज, मोहल्ला वाइज, कमेटी वाइज कि किस तरह कराची की इस मोहल्ले में गंदगी को हम साफ करें। हमें अपनी सोचों को एक सीधी पॉजिटिविटी के साथ सीधा बेहतर करना है, अपने सारे काम में चेक एंड बैलेंस करना है। हमें तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए अच्छी सोच का इस्तेमाल करना है सर, जो हमारे पास जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करें सर, बस। अगर यहाँ के लोगों को इस शहर का हाल बेहतर करना है तो उन्हें खुद में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान अपने शहर और अपने मुल्क से जाना जाता है।